नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिरला टायर्स के बारे में। बिरला टायर्स जिसके बारे में बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे ऐसे छोटे शेयर में, पैनी शेयर में, जैसे आलोक इंडस्ट्री हो गया, बिरला टायर्स हो गया। तो इस वीडियो में हम बिरला टायर्स के बारे में बताएंगे, बिरला टायर्स में आपको क्या करना चाहिए, किस प्राइस पर आपको बाय करना चाहिए, बिरला टायर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसा रिटर्न आपको मिल सकता है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, क्या कंपनी हमारे फंडामेंटल्स पे सही है। तो यहां पर देखिएगा, जैसे हम वैल्यूएशन पर क्लिक करते हैं तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, 387 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। उसके बाद आप यहां पर बुक वैल्यू देख लीजिए, यहां पर पी पता नहीं है, बहुत सारी चीजें देखिए, अर्निंग पर शेयर आपको पता नहीं, डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटी कंपनियों के जो फंडामेंटल्स आप जब देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, मतलब स्पष्ट आपको पता नहीं चल पाएगा। फिर कॉर्पोरेट एक्शन पे जाइए तो ना तो बोर्ड मीटिंग का पता है, कंपनी का बोर्ड मीटिंग कब होता है, कुछ भी आपको इसका सही से पता नहीं चलेगा। फिर आप फाइनेंशियल पे जाइए तो कंपनी का फाइनेंशियल देखिएगा, सेल्स देख लीजिए, मात्र 2 करोड़ का सेल्स है, तो आप इस कंपनी में क्या इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी का सेल्स ही 2 करोड़ है, तो प्रॉफिट कितना है, निगेटिव में देखते हैं, -57 लाख प्रॉफिट माइनस में है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के लिए पूरी ताबड़तोड़ है, बहुत सारे लोग इसमें अपना बहुत सारे अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देख लिए प्रमोटर्स 55.89% स्टेक है प्रमोटर्स के पास, और डीआईज के पास 16.86%, और सारे देख लीजिए यहाँ पर जो इधर है एफआईज का कोई होल्डिंग नहीं इसमें। तो ये हमारा जून 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो आपने देख लिया। उसके बाद आप इसके बैलेंस शीट को देख लीजिए, ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चलते हैं बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास निगेटिव में। उसके बाद और सारे पैरामीटर्स जो है इसमें, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, तो डेप्ट 0 है कंपनी का, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं बैलेंस शीट पर, देखते हैं पूरा बैलेंस शीट जो है वो इम्प्टी है, खाली है, पड़ा हुआ है। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे छोटे स्टॉक के बारे में कलेक्ट करना, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी कठिनाई उत्पन्न करेगा। उसके बाद अलग अलग रेशियो देखते हैं, डिफरेंट रेशियो जो अर्निंग पर शेयर निगेटिव में -11 का, तो आप यहाँ पर कोई भी पैरामीटर्स आप खोजेंगे सही से आपको उपलब्ध नहीं होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ पर 1000% दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इम्प्लाइड 1000 दिखा रहा है, रिटर्न ऑन एसेट निगेटिव में दिखा रहा है। तो कोई भी पैरामीटर्स आपको सही से यहाँ पता नहीं चलेगा, मतलब कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी साइट पर जाइएगा तो अपडेटेड नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे कंपनियाँ जो है उसका इन्फॉर्मेशन सारा कलेक्ट आपको करना पड़ेगा, खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ जो आप प्राप्त करते हैं मनी कंट्रोल पर रेडीमेड रूप से, वो सारा डाटा आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, तो यहाँ पर देखते हैं बिरला टायर्स, यू कैन ट्रस्ट वीरिंग क्वालिटी टायर्स टू कीप यू सेफ इंडिया रोड एट प्राइस यू कैन अफोर्ड। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए टायर्स पे, तो 2-व्हीलर्स टायर बनाती है, 3-व्हीलर्स बनाती है, स्मॉल और लाइट कॉमर्शियल टायर बनाती है, ट्रक और बस रेडियल का, बायस का, दोनों का बनाती है। तो यहाँ सारे जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके आप जो है जो रिजल्ट पब्लिश करते हैं वहाँ पर आप जाकर देखें कितना कंपनी का सेल्स है, तो सारी चीज़ देखना है। ऐसे भी ऑटो इंडस्ट्री अभी पूरी तरह से प्रेशर में है, तो उसमें ये कंपनी तो आपको और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने मिलेगा, पहले से ही प्रेशर में है। या कंपनी का जो पूरा हिस्ट्री है उसे पढ़ना है। तो कंपनी जो है आप यहाँ पर देखिए 1991 में स्टार्ट हुआ था कंपनी, जो केशुराम इंडस्ट्रीज है, केशुराम इंडस्ट्रीज का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो केशुराम इंडस्ट्री का एक पार्ट था जिसमें सीमेंट था और टायर्स था। तो सीमेंट की जो इनके जो बिरला सीमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, और बिरला टायर्स जो है ये बहुत ही, मतलब उतना कहीं बिजनेस अच्छा नहीं है। तो जो केशुराम इंडस्ट्री इसका जो सीमेंट का बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन है, टायर का बिजनेस इनका उतना अच्छा नहीं है। आपने देखा सेल्स भी निगेटिव है, मतलब सेल्स जो मात्र 2 करोड़ का, प्रॉफिट निगेटिव है। तो मात्र 2 करोड़ का सेल्स है, प्रॉफिट निगेटिव में है। तो ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे पैन स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं बिना उसके फंडामेंटल्स को जाने, बिना कुछ जाने। कंपनी के मैनेजमेंट, चलिए मान लेते हैं कंपनी मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन कंपनी में जो है उसका करेंट सिनेरियो क्या है ये देखना। इसके जो एक फैक्ट्री था वो जेके टायर्स को बेच दिया गया, तो आप समझते हैं कंपनी जब ग्रोथ करती है तब हम उसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हैं। कंपनी यहाँ लगातार जो है नीचे जा रही है, कंपनी का जो
उत्तराखंड का जो इनका फैक्ट्री था, जो प्लांट था, वो बेच दिया गया जेके टायर्स को। तो आप समझते हैं कंपनी जो है नीचे गिर रही है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी जब ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, तब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। तो अभी इसका करेंट प्राइस देख सकते हैं 24.85 रुपया है। अभी देखिएगा ये मैक्सिमम प्राइस गया था 48 रुपया पर। यहाँ पर जो ट्रेप हुआ उनका हालत ख़राब होगा, वहाँ से नीचे आया 48 रुपया से नीचे, कहाँ पर 23.70 रुपया, वहाँ से 23.70 रुपया से ये कंपनी फिर आज से अपर सर्किट लगा रहा है। अब जिस जैसे इसमें काफ़ी तेज़ी देखेगा, काफ़ी तेज़ी, तो लोग फिर इसमें अट्रैक्ट होंगे जो रिटेल इन्वेस्टर है। तो जो ऑपरेटर है वो इसे मूव कराता है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसते जाएंगे। जैसे ये इसमें फिर 24 से या 48 चला जाएगा, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा रिटेल इन्वेस्टर का बढ़ते जाएगा, तो वो हायर प्राइस पर फिर ट्रैप होते जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक में आपको तभी इन्वेस्ट करनी चाहिए जब ये अपने लोअर प्राइस पर हो, जब ये अपने लोअर प्राइस पर चल रहा हो, तो उस समय आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते थे। और कितना 200 रुपया 300 रुपया इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते 200-300 में ही आपको काफ़ी स्टॉक्स मिलते। मान लीजिए आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया तो 100 से अधिक स्टॉक्स मिलते। यहाँ पर देख लीजिए 5 रुपये के आसपास स्टॉक था। आप 100 शेयर अगर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा स्टॉक्स कर देता है, काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न देता है, तो आपके 100 शेयर पे ही काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप इस चार्ट को लगाइएगा, आप कोई भी टाइम लगा लीजिए, 1 आवर का चार्ट लगाए हैं हम। तो देखते हैं कभी कभी इसमें सर्किट ओपन हुआ है और इसमें थोड़ा सा समय के लिए मतलब ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा समय के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा समय के लिए, तो काफ़ी कम समय पर इसमें ट्रेडिंग हुआ है। देखते जाइए काफ़ी कम, यहाँ पर फिर थोड़ा सा ट्रेडिंग हुआ था। ज़्यादातर ये या तो अपर सर्किट में या तो लोअर सर्किट में लॉक रहा है। तो ऐसे स्टॉक में आप जो है बाय चांस बाय लॉक या तो अपर सर्किट में चले गए या तो लोअर सर्किट में चले गए। कभी आप ट्रेंड में बाय कर लिए तो थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। अगर लोअर सर्किट में पकड़ा गए, आपने यहाँ पर बाय किया हायर प्राइस पर, ये लोअर सर्किट चलता गया, आप फिर जो है आपका काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगा। आप काफ़ी परेशान रहेंगे कि हमारा कैपिटल जो है फंस चुका है। इसलिए ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। बहुत सारे स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाइए, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कॉल मिल जाएंगे। किस लेवल पर आपको बाय करना है, कब सेल करना है, सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। तो जब ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है तो आप इन छोटे छोटे स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन दे गए लिंक से जाइए, एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में वहाँ आपको सारे कॉल्स मिलेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और वहाँ पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए और बहुत सारे पैसे कमाइए। ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में आपको नहीं फंसना है। हमेशा आप मैं सलाह दूंगा, अगर आपको सीखना है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आलोक इंडस्ट्री, हमने आलोक इंडस्ट्री में भी शेयर बाय किया, छोटी क्वांटिटी में बाय किया है तो सीखने के लिए, ताकि उसमें आप सीख सकें। बाय करने से छोटे क्वांटिटी का होता है, हमारा अट्रैक्शन जाता है उस पर, उस स्टॉक पर हमेशा माइंड रहता है कि हमने एक छोटा सा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है। तो उसे सीखते हैं कैसे मैनिपुलेट होता है छोटे छोटे स्टॉक। तो मैनिपुलेशन से बचिए और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट हम आपको देते रहते हैं जो आगे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, जो स्टॉक्स आगे जा करके आपको बोनस शेयर दे सकता है। तो वैसे स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।